Hello guys, welcome to Mom and Giggles. Sharing with you guys some baby activities from 0 to 2 months. Babies के साथ जितना आप interact करोगे, activities करोगे, उतना baby आपके साथ interact होगा. On that basis, I am sharing with you guys few activities. So let's get started with first activity. Baby leg movements. बेबी के लेग मूवमेंट्स को इम्प्रूव कैसे करें. एट दिस टाइम बेबी इज़ वेरी स्मॉल, सो द मोर फिजिकल एक्टिविटी द मोर एक्टिव बेबी विल बी. सो बेबी के लेग मूवमेंट्स कैसे करें, लेट बेबी स्लीप ऑन हिज बैक एंड गिव हिज लेग जेंटली साइकिलिंग मूवमेंट्स. दिस विल हेल्प टू इम्प्रूव बेबीज लेग मूवमेंट्स एंड विजिबिलिटी ऑफ लेग. लेट्स चेक द वीडियो. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Wow! Good boy, good boy, good boy, good boy. So next comes hand movements. For hand movements, the position will be same. Let your baby be on his back and give his hand movements. Do check this video. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, good boy, good boy, good boy. Next activity is tummy time. Tummy time is very important activity. इस एक्टिविटी में बेबी को टमी पे सुलाना है एंड टमी टाइम हेल्प्स बेबी इन हिज फिजिकल डेवलपमेंट, दैट इज मसल डेवलपमेंट विच इज़ ऑफ नेक एंड शोल्डर मसल्स. नेक एंड शोल्डर मसल्स गेट स्ट्रॉन्ग इन दिस एक्टिविटी. आपको बेबी को अकेले नहीं छोड़ना है इस एक्टिविटी में, आपको हमेशा मॉनिटर करना है. एट दिस स्टेज बेबी को 1 से 2 मिनट के लिए टमी टाइम देना बहुत सही रहेगा और बेबी नेक को बैलेंस कर पाता है. एंड दिस एक्टिविटी प्रिवेंट्स बेबीज फ्लैट स्पॉट ऑन दी हेड, दैट इज बेबी का सर फ्लैट होने से बचेगा. इस एक्टिविटी को दिन में 1 से 2 बार करें और नॉट मोर देन 1 to 2 minutes एट दिस स्टेज बिकॉज बेबी इज वेरी स्मॉल एट दिस स्टेज. लेटर ऑन यू कैन इंक्रीज द टाइम. गिव टमी टाइम टू बेबीज ऑन रेगुलर बेसिस, दैट इज डेली आप बेबी को टमी टाइम दीजिए. नेक्स्ट इज बेबी बॉडी पार्ट्स. इन दिस एक्टिविटी वॉट यू हैव टू डू इज बेबी को सेम पोजिशन में रखना है, दैट इज लेट हिम बी ऑन हिज बैक एंड यू जस्ट हैव टू पॉइंट आउट इट्स बॉडी पार्ट्स. दो ही डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग बट दिस विल बी फन एक्टिविटी फॉर हिम. वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट लेट हिम बी ऑन हिज बैक एंड पॉइंट आउट हिज आईज, ईयर्स, नोज. यू विल गेट क्लियर आइडिया इन द वीडियो. डू चेक द वीडियो. एट दिस स्टेज बेबी को कुछ समझ नहीं आएगा बट यू जस्ट हैव टू मेक दिस एक्टिविटी अ लिटिल फन. इस एक्टिविटी को आप दिन में कभी भी कर सकते हो, विच विल टेक नॉट मोर देन 5 मिनट्स. डू ट्राई दिस एक्टिविटी. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग द मसल्स. एट दिस स्टेज बेबी को फिजिकल एक्टिविटी देना इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस विल इम्प्रूव हिज मोटर स्किल्स. सो बेबी को बेबी की फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इम्पॉर्टेंट. सो इस वॉट यू हैव टू डू इज कीप बेबी इन सेम पोजिशन, दैट इज लेट हिम बी ऑन हिज बैक, होल्ड इज बोथ द हैंड्स एंड जस्ट
hold him up and down, up and down. This is what you have to do. But don't stress his hand too much. See how capable your baby is, and accordingly you do this activity. At first, do it 5 times. Later on, steadily, slowly, steadily improve the movements till 10 times. Do try this activity and check the video coming up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do try this activity with your little ones. And if you like my videos, like, comment and subscribe my channel. Stay tuned for coming up videos. And till then, bye bye. See you next time.